दिल्ली देहात की डिस्पेंसरी ने बनाया रिकॉर्ड, वैक्सीनेशन में हासिल किया नया मुकाम। बख्तावरपुर डिस्पेंसरी में एक दिन में 287 लोगों को लगा टीका। गांव के लोग टीकाकरण में ले रहे बढ़ चढ़ कर हिस्सा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच वैक्सीनेशन भी तेजी से जारी है। कोरोना के खिलाफ जंग को तेज करते हुए सरकार बड़े हॉस्पिटल्स, प्राइवेट अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक्स और छोटी डिस्पेंसरी में भी टीकाकरण अभियान को तेजी से चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली देहात की एक छोटी सी डिस्पेंसरी ने टीकाकरण में रिकॉर्ड बनाया है। देखो, हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी ने जब वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ तो इन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया कि वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए और सुबह से शाम तक कोई भी ऐसा समय नहीं होना चाहिए जिसमें वैक्सीनेशन ना हो। तो इनके आह्वान को हमने माना और मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली में कल सबसे ज़्यादा डिस्पेंसरी में अगर वैक्सीन लगी है तो हमारी इस डिस्पेंसरी में लगी है। और इसमें पूरा प्रबंध जिला अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, आदेश गुप्ता जी के निर्देशानुसार हमने पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। यहाँ पर किसी को कोई कष्ट ना आए वो सारा काम हमने कर रखा है। 45 साल से कम उम्र की आयु के लोगों को भी इंतजार है इसमें जी, कुछ है संभावना कब तक नंबर आएगा? वो जल्द आएगा, जल्द आने वाला है। कुछ ही दिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जल्दी घोषणा आने वाली है कि 45 साल से नीचे जो भी व्यक्ति होगा उसको वैक्सीन लग जाएगी। बख्तावरपुर डिस्पेंसरी में एक दिन में 287 लोगों को कोरोना का टीका लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। बख्तावरपुर डिस्पेंसरी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी, पूर्व जिला अध्यक्ष नील दमन खत्री, स्थानीय निगम पार्षद सुनीत चौहान समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुँचे और टीका लगवाने आए लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ ही सम्मानित भी किया। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए दिल्ली की जनता का आभार भी जताया गया। टीकाकरण अभियान में दिल्ली के इस इलाके के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय पार्षद की तरफ से लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ टीकाकरण के लिए पहुँचे। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।